जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट कल को इस बात का न्यूज आइटम बना सकते हैं, इसके बावजूद बेशर्मी पे उतरकर मेरे एनकाउंटर की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं जानना आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि विजय रूपाणी ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, गुजरात की सीएम के ऑफिस ने, होम डिपार्टमेंट ने, डीजीपी ऑफिस ने, किसने ये उनको इंस्ट्रक्शन दिया है जो मेरे एनकाउंटर की चर्चा करे? व्हाई दे वांट टू किल मी? कैसे आपको शक हुआ, कब पता आपको ये लगा? मेरे news.com नाम का जो गुजराती वेब पोर्टल है, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर पत्रकार है, पुलिसकर्मी है, और उनके बीच में ये दो पुलिसकर्मी डीवाईएसपी और एसपी अहमदाबाद दोनों मिलकर मेरे एनकाउंटर की चर्चा कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू, बहुत ही सीरियस बात है, और मैं जानना चाहूंगा कि विजय रूपाणी जी का इस मामले में क्या कहना है, गुजरात के डीजीपी का स्टेटमेंट आना चाहिए, उनका क्या कहना है, उनके सामने मैं मुकदमा दर्ज करूं उसके पहले उनको प्रोएक्टिवली उनके ऊपर इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसलिए कि मैं एक सिटीजन हूं। किसी भी सिटीजन को मारने का किसी को भी अधिकार नहीं, और किसी सिटीजन को एलिमिनेट करने की चर्चा पुलिसकर्मी दो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर करे, उससे ज्यादा शॉकिंग बात इस देश के लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है? बीजेपी की सरकार की अगर बात करें तो इसमें मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को जो है आगे आने के लिए कहा गया था, उनकी तरक्की के लिए, उनके हुकूक की बात करने के लिए कहा गया था। ये किस गुजरात में 80 लाख माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी से मेरा मतलब केवल मुसलमान नहीं है, जैन भी है उसमें, पारसी भी है उसमें, बुद्धिस्ट भी है उसमें, मुस्लिम्स भी है उसमें, ख्रिस्ती भी है, सारे लोगों को मिलकर 80 लाख लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पिछला बजट कितना था? 55 लाख, यानी गुजरात की 12% माइनॉरिटी पॉपुलेशन के लिए 1 रुपया, ये उनका रवैया है। किस तरह से दलित और मुसलमान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, नॉनसेंस है। अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से आप इन लोगों के लिए काम करेंगे या क्या? हर तरीके से करेंगे, उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको लेकर उनके साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जिस तरीके से अभी पीएनबी बैंक का जो है 1100 करोड़ रुपए का जो ये मामला मोदी जी का, इसके बारे में क्या? ऐसे तो न जाने कितने छोटे मोदी जी को, छोटे मोदियों को बड़े मोदी जी ने पाल रखा होगा, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वैसे तो यही है कि न मैं खाता हूँ न खाने देता हूँ, ये बात बकवास साबित हुई। और न जाने कितने ऐसे नीरव मोदियों को मोदी जी ने छोड़ रखा है बाजार में, सारा पैसा पीएम ऑफिस में जाता होगा या मोदी जी की जेब में जाता होगा, अचानक इस देश की जनता की इतने 1000 करोड़ को लूट के चला जाए, विजय माल्या भी चला जाए, तो 56 इंच का सीना क्या कर रहा है?